बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इत्तेदार पुलिसत के नाम से जिसने जान दी, जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाजिन, सियासी मामला ठीक होने को नहीं, मुआशी मामला ठीक होने को नहीं, मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन पहले आज की मौजूआत आपको बता दूँ कि क्या जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी हो सकेगी। फिर दूसरी जानब यह कि बिलों ने, यानी बिजली के बिलों ने सिविल नाफरमानी की राह हमवार कर दी। इमरान खान ने मैं नहीं छोड़ूंगा का बयानिया अब किसको दिया, किसके लिए दिया और क्यों दिया। अच्छा, ये भी बात है हुई, उसके अलावा ये है कि दावा है अलीमा खान का कि इमरान खान को अभी भी मुल्क छोड़ने की ऑफर मौजूद है, लेकिन वो नहीं जाएंगे, यानी पाकिस्तान छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं। और आखिर में बात करूंगा कि इमरान रियाज खान कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सारी बातें जो हैं आपको तफसीलात के साथ बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त का INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। नाजिन, बात आ गई जनरल फैज पर। ये जनरल फैज का नाम कैसे आ गया? एक तरफ तो है कि आर्मी एक्ट के तहत सिविल लोगों का मतलब जो है वो ट्रायल नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ क्या आर्मी के लोगों का ट्रायल सिविल में हो सकता है क्या, या फौज उनका ट्रायल करेगी, क्या होगा, ये क्यों अचानक आवाज़ आ गई? ये अचानक आवाज़ कैसे आई? ये अचानक आवाज़ आई उस GIT और वो जो कहते ना FIA वाले इंक्वायरी के लिए अटक जेल में, उन्होंने जो इंक्वायरी की, जो तहकीकात की, उसमें जितने सवाल जवाब किए उसमें पाजी चेयरमैन ने सीधा सीधा ना पाता कि देखें साइफर था, मेरे पास साइफर की कॉपी थी, साइफर मुझे गुम हो गया। फिर उन्होंने कहा नहीं, आपने हवा में लहराया था। कहने लगे वो मैंने कुछ और नोट्स थे, ये वो लहराए थे, क्योंकि मूड बनाना होता है ना सियासी लोगों का, सियासी जलसों में तो आवाम का मूड बनाने के लिए मैंने लहराया था, वरना वो उस वक्त नहीं था, वो कुछ और था। यानी किसी बयान पर वो कायम नहीं रहे। दूसरी जानब उन्होंने कहा कि साइफर वजारत खारजा का मामला था। तो ये सारी चीज़ें थी, इसकी सारी मुझे गाइडलाइन जो कोई मुझे बताया गया था, समझाया गया था, वो शाह महमूद कुरैशी जो कि वजीर खारजा थे मेरे, उन्होंने समझाया था। ज़्यादा पाई मुद्दा पै गया शाह महमूद कुरैशी थे। अच्छा, फिर उसमें जब आगे बातचीत हुई तो उन्हें कि सारी प्लानिंग ये वो जो कुछ भी हमारी थी सब कुछ था वो करते थे जनरल फैज हमीद, यानी वो जो दवाखाना फैज था ना, फैज आलम, वहीं से सबको शफा मिलती थी, बाकी कोई नहीं था। लिहाजा वो खैच खाँच के उधर ला रहे हैं। मकसद क्या? मकसद सिर्फ ये है कि ना जनरल साहब गिरफ्तार होंगे, ना साढ़ा मामला सामने आएगा, ना कोई बात खुलेगी, क्योंकि आमतौर पर तो हमारे यहाँ मतलब ये वो हदूद है ना जहाँ तक जाते हुए फरिश्तों के भी, यानी जो हमारे आसमानी मखलूक है उसके भी पर जलते हैं। लिहाजा उन्हें फिर नाम ले दिए। जैसे याद होगा आपको कि पहले उन्होंने एक नाम दिया था जनरल, जो अब जनरल है, पहले से ब्रिगेडियर वसीम चट्ठा का नाम, तो वो भी इसीलिए लिया था, चट्ठा के चीमा जो भी थे उनका नाम लिया था, जो अपने इनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे उसका नाम लिया था। मकसद यही था कि फौज को लाएं जनाब अदालत में, लागपते जानगे। तो वो नहीं आए। उन्होंने कहा जब जाना होगा मुझे बुलाया जाएगा, मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी ज़रूरत हुई, और वो अब जनरल हैं और कहाँ हैं, GHQ में काम कर रहे हैं। तो ये फिर उसी तरह की एक चाल चली कप्तान ने बड़ी चालाकी के साथ, और उन्होंने कहा जनरल फैज हमीद जाने और शाह महमूद जाने, भाजी मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं। बड़े सवालात किए दोनों पार्टी, साइफर के वाले से भी बात की, तो उन्होंने कहा ये सियासी बयान था, मेरा कोई मसला नहीं, पहले भी कह चुके हैं। यानी याद होगा आपको जो पेंचेस का मतलब था, जो नजम सेठी के जिम्मे लगाया गया था, जो उनके इलेक्शन जो कराए थे उनकी निगरान हुकूमत था, उसमें बड़ा ज़बरदस्ती जिताया गया नून लीग को, पेंचर लगे, बाद में उन्होंने कहा तो मेरा सियासी बयानिया था। तो ये भी जनाब सियासी बयानिया था, यानी इस पर दिल पर नहीं लगानी आपने कि ये क्या था क्या नहीं था, साइफर अमरीका के साथ, ये नहीं। क्यों? कि अब तो मामला ही कुछ और है ना, अब बिल्कुल हालात बदल चुके हैं। अच्छा, वो कप्तान है जेल में, कप्तान से तफ्तीश हुई, दो पार्टियों ने की, एक तरफ 6 रुकनी टीम थी और दूसरी तरफ 3 रुकनी टीम थी। जो 6 रुकनी टीम थी उसमें थे किशोर साहब, वही जो थे अपना इमरान किशोर साहब, वो थे अपना कर रहे थे GIT की तरफ से, और दूसरी तरफ FI की टीम थी, वो अयाज खान की सरबराही में करी थी, ये मैंने आपको पहले भी लागू में बताया था। तो इसमें जितने भी सवाल हुए उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि जो जमान पार से फ़ोन पकड़े गए थे, iPhone 2 थे और एक और भी था वो सेटेलाइट,
उसके बारे में भी कुछ जवाब हमने दिया, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। बल्कि बुशरा बीबी की भी ये बात थी, तो बुशरा बीबी से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मौके पे भी उन्होंने कह दिया था इनकार कर, देखो मुझे तो पता नहीं ये सेटेलाइट किसका है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता किसके नाम का। यहाँ तक उन्होंने कहा अच्छा कोड बताया इसको, कोड यानी पिन कोड बताया, तो उन्होंने कहा मुझे उसका भी ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब जाने, उन्होंने इमरान में डाला, इमरान ने आगे डाल दिया, भाई अगे तो अगे चले चलो, यानी किसी चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं निकलना चाहिए। अब ये सारा कुछ जो सिलसिला चल रहा है इसमें क्या है, इसमें मामला ये है कि जब उनसे कहा कि नौवीं के मामला थे, नौवीं के मामला जो है उसमें आप में सुबह साजते हैं, आप मैंने लोगों को कहा, उन्होंने कहा जनाब मैं तो गिरफ्तार था, मैं तो कैदी था, मैं कैसे बयान दे सकता हूँ। तो उनको फिर याद कराया गया कि वो जो मुसर्रत चीमा का जो एक फोन था और वो आपने बात की थी और आपने कहा था आजम से बात करो, वो क्या था, ऑडियो तो सुनाई गई उनको। फिर इसी तरह और उनको लैपटॉप पे कुछ चीज़ें दिखाएगी, कुछ शवाहद दिखाएगा, कुछ लोगों की बातें दिखाएगी। फिर उनसे कहा गया ये जनाब एजाज चौधरी साहब ने, डॉक्टर यासमीन राशिद है, ये जनाब महमूदुर रशीद है, ये सब कुछ गई क्या है, ये आपके भांजे साहब हैं हसन न्याजी साहब, तो चुप रहे खामोश रहे। लेकिन जो बाकी मुलजमान की बात की उन्होंने, ये देखे ये मुलजम जो पकड़े गए इन्होंने कह दिया कि जनाब आपने हमें 3-4 दिन पहले 9 मई से पहले हमें ब्रीफिंग दे दी गई थी कि अगर मैं पकड़ा जाऊँ तो तुम लोगों ने कहाँ जाना है। और मुराद सईद ने भी जोर लगा के कहा था कि जाना है वहां, जाना है वहां, जाना है जहां बताया गया वही जाना है। इसका क्या मतलब था कि जीएसपी में जाना है, गोलकमंडा जाना है, बाकी क्योंकि जब बलवा होते ही मैं पहले भी कह चुका हूँ जो अवामी तहरीक होती है लोगों का मतलब रद्द अमल होता है, एहतजाज होता है, हमेशा होता है, सारे मुल्कों में होता है, तो वो फिर हर जगह फिर वो नहीं देखते कि अवामी चीज़ें कौन सी हैं, आम बिल्डिंगें कौन सी हैं, आम दफातर कौन से हैं। तो ऐसा नहीं हुआ, ये खास जगह पे सारे खास वाक़े हुए थे, इसका मतलब ये है कि इसकी कोई मनसूबाबंदी थी। और इमरान खान साहब खुद भी कह चुके जब मुझे पकड़े आर्मी वालों ने, जब मुझे पकड़े उनके कमांडो ने, जब पकड़े मुझे रेंजर ने, तो कहाँ जाएंगे, फिर उन्हीं के दफातर पे जाएंगे ना, उन्हीं के ऑफिस में जाएंगे, उन्हीं के बात तो सीधी सी होगी था कि कितने जाएंगे भाई, दसिया सी किधर जाना है, यानी पुलिस स्टेशन नहीं जाना, पुलिस स्टेशन पुलिस चौकी को नहीं चलाना, किसी नाके पर नहीं जाना, तुम नहीं गए। तो अभी सारी चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए घेरा तंग होता जा रहा है। और फिर वो जो है उसमें और दफ़ा लगा दी 120B बहुत सख्त है, और उसमें 3 साल की सजा मामूली से लेके इसकी बात हो सकती है सजाए मौत तक है। आप ये सोच लें कि उकसाना, प्लानिंग, मनसूबा साजी करनी, लोगों को बेदार करके किसी तरह चढ़ाई करवाना, हमलावर होना, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो अब मामला जो गड़बड़ क्योंकि अब चालान तैयार हो रहा है, वो कहते हैं अब हमें ज़रूरत भी नहीं, हमने दोबारा तफ्तीश भी नहीं करी। लो भाई दोनों टीमों ने कहते हैं सानू तफ्तीश की लोड़ नहीं, जो पूछा पूछ लिया, जो ना जवाब देता बाकी उन्होंने कुछ ना देता जवाब ना देने तैयार ने, लिहाजा हम काफ़ी, हम तो अब चालान बनाएंगे, चालान बना के पीछे कर देंगे। अब मामला जब जाएगा आर्मी कोर्ट में, वहाँ तो एक माह के अंदर अंदर फैसले होने आर्मी एक्ट के तहत, अभी वो मसला भी है। लेकिन ये मामला जो है इंसान दहशत गर्दी को आर्मी एक्ट के तहत जा भी है, मामला ख़राब है। एक और साबिक वज़ीर आज़म जो है वो एक बड़ी मुश्किल में फंस चुका है और लग नहीं रहा उसका रास्ता निकलने का, क्या निकलेगा क्या नहीं। दूसरी जानब मौजूदा निगरान हुकूमत काकर साहब ने इजलास बुला लिया बिजली की कीमतों पर, क्योंकि आवाम बिफरी हुई है, सड़कों पर आ गई है, बिल जला रही है। और लोगों के साथ हुआ भी तो जुल्म है ना कि अगस्त में जुलाई के बिल भी लगा के दे दिए गए, जुलाई के टैक्स दोबारा लग गया, टैक्स आ गया, यानी आप अगर देखें मजदूरी तौर पर 60-70% जो है इजाफा हो गया आ गया, तो कहाँ से लोग देंगे, वो तो खरीद नहीं लोगों के पास, इतनी इनकम नहीं है, पैसे भी तो बढ़ाने चाहिए थे, तो किसी ने नहीं बढ़ाया, सरकारी महकमे ने नहीं बढ़ाया, तो वो निजी महकमे कब बढ़ाते हैं, निजी महकमे तो खून चूसने के आती हैं, तो भाजी उन्होंने नहीं किया। तो अब ये मामला सड़कों पर आ गया, और सड़कों में मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, तो काकर साहब ने आज काम किया कि जनाब ये जो वापडा के मुलाजमीन है, या लेस्को के मुलाजमीन है, या मैपको के हैं, या फेस्को के हैं, ये जितने भी हैं, वो हमारा यार है ना, वो एक दानिश्वर है भट्टों में गौहर भट्ट, वो कहता है जेडे डिस्को है, जेडी डिस्को पार्टी है, जिन्हें सारे तिगनी का नाच नचाया हुआ सारी आवाम को, यानी डिस्को डिस्को खेल रहे हैं वो, उन सब के मुलाजमीन का उन्होंने फ्री बिजली बंद कर दी। अच्छा ये बंद कर दिए, एक अच्छा जेस्चर है, जेस्चर तो बज़ाहिर अच्छा है कि अवामी मुतालबा था कि लोगों को क्यों मुफ्त दी जा रही, बंद कर दिया जाए। हालांकि मैं इसे इतफाक़ नहीं करता, इसलिए कि जिस महकमे में जो मुलाजमत करता है उसकी उसकी राहत होती है, पीआईए की मरम्मत पीआईए की होगी, जो रेलवे में होगा रेलवे की होगी, तो ये मरात होती हैं। लेकिन जब बुरा वक्त आता है और एक तरक्की पजीर मुल्क में, तो फिर ये मरात वापस भी ली जा सकती हैं वक्ती तौर पे, तो अगर उन्होंने फैसला कर लिया अच्छी बात है, लेकिन आम आवाम को क्या फ़ायदा, उनके हाथ में तो बिल हैं और वो बिल
जिन्होंने उनकी रोटी भी छीन ली है कि वो रोटी खाएं या बिल जमा कराएं। फिर इस हफ्स में, इस गर्मी के दिनों में वो कैसे बिजली से जान छुड़ा सकते हैं? तो मामला गड़बड़ है और वो मामला जा रहा है एमकेएम के जो कन्वीनर है ना डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल और उन्होंने कहा कि जनाब ये अगर फसादात छिड़ गए तो भाई फिर उन्होंने रोकेगा कौन, बचाएगा कौन? ये मामला गड़बड़ है। और मैं भी ये कह रहा हूँ बार बार कि जब इस कोई कायद नहीं होता तो मामला गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये बिजली के मामला जिस तरह चल गए हैं तो ये भी मामला आगे बढ़ गए। अब अलीमा खान कहती हैं, जो बहन है इमरान खान की, उनका कहना है कि जनाब इमरान खान को अब भी ऑफर दी गई है कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इमरान खान जाने को तैयार नहीं। और फिर इमरान खान ने एक धमकी दी थी नहीं छोड़ूंगा, तो उसकी भी सलाह ये कि जब सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की थी सिपा सालार ने, आसिम नसीर साहब ने, हाफिज साहब ने पहली मुलाकात, तो उन्होंने कहा था जनाब जान दो गुस्सा, इमरान खान और आप जो है आपके ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और मिल मिला के पिछली चीज़ें छोड़ दें और सारा कुछ कर दें। तो उसमें आसिम साहब ने ये कहा था, मतलब बकौल शख्स ज़राए वो ये कहते हैं कि आसिम साहब ने सदर साहब को ऑफर दी थी कि इमरान साहब को कहें तसली रखो, मैं कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं हूँ, तुमने जो किया वो किया कोई बात नहीं, मैं अब आ चुका हूँ, मैं सीट पर बैठ गया हूँ, मैंने चार्ज ले लिया है, मुझे हालात देख ले, तो हालात कार मामला सीधे होते हैं तो बैठ के बात भी कर लेंगे। फिर क्या हुआ, इमरान खान को जब सदर साहब ने पैगाम दिया, सदर आरिफ अलवी साहब ने जब पैगाम दिया, तो उन्होंने जनाब शर्त रख दी, उन्होंने कहा भाई सिपा सालार तो थल लग गया कि जी मिलागा, इसीलिए वो नहीं मिल रहा है कि फिर बातें कहीं से कहीं पहुंच गई। तो सिपा सालार के जब पैगाम उनको मिला तो उन्होंने आगे शर्त रखी कि इनसे कहें बस फिर ठीक है हालात हम ठीक कर लेते हैं, हाथ से हाथ में हाथ जोड़ी कर लेने, दोस्त बन जाने, दुश्मन छोड़ो, पुरानी दुश्मनियां खत्म। लेकिन एक छोटी सी शर्त है, क्या? कि जनरल नदीम अंजुम को फारिग कर दें, जनरल फैसल नसीर को फारिग कर दें, ISI के चार सेक्टर कमांडर जो हैं उनको फारिग कर दें, तब्दील कर दें, तो बैठो गाल कर लेना, कोई गाली नहीं। तो उस पे सिपा सालार ने जनाब शट अप काल दी, क्या? उन्होंने कहा जनाब ये फौजी अदारा है और इस अदारे का अपना एक तंजीम है, इसका एक अपना सिस्टम है, ये वो सुदूर से बाहर नहीं निकलते, लिहाजा किसी के कहने पर, किसी सियासी बंदे के कहने पर या किसी बाहर के बंदे के कहने पर ये तब्दीलियाँ नहीं होती, ये सब अपना अपना टेन्योर पूरा करेंगे। लिहाजा भाई लपड़ बह गया, वेल जो सियासतदान को कहते थे इख्तदार के दौरान कि नहीं छोड़ूंगा और वो बात रहेगी, वही बात अब उन्होंने आसिम मुनीर को कह दी और उन्होंने जनाब ललकार दिया एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। तो पता लग गया कैसे कहा, किसको कहा, ये भी बात होगी। अब आखिरी बात है इमरान रियाज की। इमरान रियाज के जो वकील हैं मियां अली अशफाक साहब, उन्होंने आज मंसूर अली खान के, यानी कल गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में शिरकत की, उन्होंने बड़ी तफसील से बातें की कि कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या है, लेकिन अजीब गरीब कहानी उन्होंने सुनाई। और जनाब 50 आदमी जो है वो लग रहे थे, जब उनको लेके जा रहे थे वो पीछे लगे थे, यानी कमाल की बात है कि किसी खुफिया अदारे के लोग किसी को अगवा करके लेके जा रहे हों और उसके पीछे 50 कारें लगी हों या 15 आदमी लगे हों और उन्हें पता न लगे और वो देखते रहे कि कहाँ से कहाँ ले गया, कौन ले गया, कैसे ले गया, वीडियो आ गई, हमारे पास ये भी हो गया, वो भी हो गया। तो कहा जनाब, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मल्टीपल ज़राए जो है वो ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान खैरियत से, यानी जल्द वो वापस आएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे सब कुछ। और उनका कहना है कि जो लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन मैं उनका फैमिली मेम्बर हूँ इमरान रियाज खान का, उनके वालिद मुझे इमरान रियाज से बड़ा बेटा समझते हैं और मेरे उनके फैमिली टर्म्स ऐसे हैं कि हम दोनों क्लास फेलो हैं, हम वकील बाद में, पहले हम क्लास फेलो हैं, दोस्त हैं, तो मैं ही उनके साथ खड़ा हूँ, मैं ही उनके साथ खड़ा रहूँगा, हालात जो भी हों मैं पीछे नहीं हटूँगा। इल्ज़ाम लगाते रहे आदिल राजा की बात नहीं, उन्होंने कहा वो क्या चीज़ है, ना उसके पास कोई मतलब ज़राए हैं, ना उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना उसके पास कोई तहकीक है, जाली बातें करता है, जाली इल्ज़ाम लगाता है। तो इन लोगों के कहने से मुझे कुछ, यानी कहने कावा ने कह नल पहाड़ नहीं टहने। लेकिन बहरहाल अच्छी खबर ये है कि इमरान रियाज खान खैरियत से है और ये खबर सब लोग जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए भी, फील्ड के लोग जो साथी हैं उनके लिए भी और उनके ख़ानदान के लिए बड़ी अहम खबर। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ कायम दायम रखे और वापस खैर खैरियत से वापस आए, जो भी है जैसे भी है। क्योंकि मैं तो एक बात कहा करता हूँ, जिन्हें खा दिया गाजर टेढ़ो ना दे पीड़, तो जो मामला थे जहाँ तक वो गए उसकी फिर जाहिर है, फिर उसको
यानी उसका हिस्सा अदा करना पड़ता है, अपने अपने हिस्से का हिस्सा अदा करना पड़ता है। ये अलग बात है पीटीआई ने उनका साथ नहीं दिया, पीटीआई ने उनको बुकला नहीं दिया, पीटीआई ने उनका साथ बस बयाना तक दिया और बाद में सब पकड़े गए, लिहाजा वो सिलसिला भी दरवाजा बंद हो गया। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, आई एन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना ना भूलें, अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें, अल्लाह निगहबान।